हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम जून 2019 की जो हमने एनालिसिस सीरीज स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपसे बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम से पूछे गए थे हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019 तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप दिसंबर 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि बेसिकली आपने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, तो इसके लिए बेसिकली आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक मॉक टेस्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उसके बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है तो आप यहाँ पे जब टेस्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे उसको हर एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी, तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि हर एक यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बट बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जून 2019 के अंदर, बट सारे क्वेश्चन काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स क्या हैं, और इसके बेसिस पे ही आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि दिसंबर 2019 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शो अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। तो आपसे क्या पूछा गया है, एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि यूनिक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेटजी का, स्ट्रक्चर का एंड मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हम यहाँ पे बेसिकली चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चारों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते कैसे कैसे हैं। सो दैट यहाँ पे बेसिकली अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे चारों पॉइंट के बेसिस पे फर्दर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलोड। आप यहाँ पे साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलोड, तो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है, स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं आपका आंसर। सेकेंड देख लेते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। तो ये बेसिकली आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। तो देखिए इसके अंदर आप अमेज़न का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, और भी जितनी ई कॉमर्स कंपनी है आप सभी को इसके अंदर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसके अंदर हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये भी आंसर इसका नहीं होगा, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। देखिए अगर आपको चारों ऑप्शंस पता हैं अच्छे से तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको चारों ऑप्शन की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगली बात करते हैं नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज होती हैं जो बेसिकली जॉइंटली काम कर रही होती हैं, सो दैट वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज होती हैं। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन सभी को नोट डाउन करते जाइए। देखिए नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज ऑपरेटिंग जॉइंटली। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिपेंडेंट सब्सिडरी जॉइंटली ऑपरेट कर रही होती है एक नेटवर्क बना के,
सो दैट वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ले पाए और यहाँ पे बेसिकली वो कॉम्पिटिट कर पाए बाकी बड़े कॉम्पिटिटर के साथ. तो इसको बोला जाता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे बेसिकली देखिए नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेटजी का, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज होती है उनकी स्ट्रेटजी होती है कि बेसिकली वो लार्ज कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिट करने के लिए एक जॉइंट नेटवर्क बनाती है अपना. सेकेंड उनका एक स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर, और यहाँ पे बेसिकली उनका मैनेजमेंट प्रोसेस भी नेटवर्क फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दैट इज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन. अगली बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन की. तो देखिए हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, देखिए अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे बेसिकली आप उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला होता है आपका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस टाइप का होता है वो, और एक होता है आपका टॉल ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ इस टाइप का होता है. तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे बेसिकली आपका मिडल मैनेजमेंट का रोल बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है. यहाँ पे बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, यहाँ पे आपका टॉप मैनेजमेंट आता है और इसके नीचे आपके जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स आते हैं या फिर जो भी वर्कर्स या इम्प्लॉयज होते हैं वो आते हैं. तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है सबऑर्डिनेट्स या इम्प्लॉयज के साथ. और अगर मान लीजिए हम बात करते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे पहले आता है आपका टॉप मैनेजमेंट, उसके नीचे आता है आपका मिडल मैनेजमेंट, उसके नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, उसके नीचे आपके लोअर लेवल वर्कर्स आते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारा एक चेन होता है कम्युनिकेशन का जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो होती है टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल वर्कर तक. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो मिडल मैनेजमेंट होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन की फ्लो में. बट यहाँ पे जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उसके अंदर क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, वर्कर्स को. तो जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये बेसिकली आपका होता है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन को ही फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. और यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होता है, ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन. ओके तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए. अगर आपसे फर्दर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है टॉल ऑर्गेनाइजेशन या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. देखिए यहाँ क्या बोला गया है, लिस्ट आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स दैट अ बिजनेस शुड फॉलो. तो कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स बताने हैं आपको जो किसी भी बिजनेस को फॉलो करने चाहिए. तो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेसिकली, देखिए एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किसी भी बिजनेस को वो करने चाहिए. तो यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपको ये बताने हैं कि क्या वो एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है या नहीं आता. तो देखिए अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस फर्म के प्रिंसिपल्स की, तो उसको आप दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, दैट इज एथिकल प्रिंसिपल्स, सेकेंड आपका हो सकता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. अब देखिए एथिकल प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, एथिकल प्रिंसिपल्स आपको ये कहते हैं कि बेसिकली आपको क्या बेस्ट करना चाहिए सोसाइटी के लिए. इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आपको ये कहते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है और यहाँ पे बेसिकली वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है. तो चलिए देखते हैं कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं और कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न्ड इंडस्ट्री और बिजनेस. तो आपको नेसेसरी एक्शंस लेने हैं किसके लिए, इंडस्ट्री या बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये बिजनेस का प्रिंसिपल नहीं होता, ये गवर्नमेंट का प्रिंसिपल होता है और वो भी इकोनॉमिक. गवर्नमेंट का इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी एक्शंस लेना. तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, सो दैट यहाँ पे किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके. तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट का इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन का एथिकल प्रिंसिपल. तो आपका ये आंसर तो नहीं होगा, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं. सेकेंड देख लेते हैं, पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशंस प्रॉम्प्टली. तो यहाँ आपसे क्या बोला गया है, आप अपने टैक्सेस टाइम पे कीजिए और यहाँ पे अपनी ऑब्लिगेशंस को टाइम पे डिस्चार्ज कीजिए. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है. तो बहुत ही करेक्ट ऑप्शन है ये, तो चलिए इसको हम टिक कर लेते हैं. चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर थ्री को,
टू एंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, बिकॉज आपके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स किस में डील करते हैं, रिसोर्सेज के बेस्ट यूटिलाइजेशन से डील करते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। आगे इस बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक्स और पे ऑफ्स टू कस्टमर्स सप्लायर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा। तो देखिए, आपको यहाँ पे सीक्रेट किकबैक्स देने से बचना है। तो ये किकबैक्स है क्या, देखिए बेसिकली किकबैक्स होते हैं आपके ब्राइब्स, ब्राइब्स मीन्स घूस वगैरह, आपको किसी को भी घूस वगैरह नहीं देनी, आपको बेसिकली फॉर्मल प्रोसीजर से कोई भी चीज को फॉलो करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्राइब्स वगैरह से बचना है, तो ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपको फेयर ट्रीटमेंट देना है, फेयर वेजेस पे करने हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो देखिए, आपका यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आपका यहाँ पे बी डी एंड ई आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, एसर्शन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्या दूसरी स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन आपको क्या कह रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड्स जनरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है इसके अंदर हम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव टू अ प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स को बैठाया जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स मांगे जाते हैं। दैट इज उनसे ये कहा जाता है कि आप आइडियाज जनरेट कीजिए कि यहाँ पे बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके जितने भी पैनल में लोग बैठे होते हैं वो अपने आइडियाज देते हैं कि कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम आइडियाज कलेक्ट करने पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे किसी भी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, किसी भी आइडिया को इवेलुएट नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम आइडियाज को कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसकी चेकिंग की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आइडिया जनरेशन की बात की गई है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या करिए, पार्टिसिपेंट जनरेट एज मैनी ऑल्टरनेटिव एज पॉसिबल विदाउट इवेलुएटिंग दैम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के अंदर जो भी आइडियाज होते हैं उनको जनरेट किया जाता है, जितने मैक्सिमम आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं हम उनको जनरेट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली किसी भी आइडिया को इवेलुएट नहीं किया जाता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं, यहाँ पे ये दोनों की दोनों ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट गिवन है और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, दो क्लोजली रिलेटेड जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम। तो क्या बोला गया आपसे कि जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्लोजली रिलेटेड तो है बट ये सेम नहीं है। तो देखिए, ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, हम यहाँ पे जॉब को इवेल्युएट करते हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बेसिकली इस जॉब के लिए कितनी वेजेस हमें पे करनी चाहिए, क्या वर्थ है इस जॉब की। तो ये बेसिकली जॉब इवेल्युएशन के अंदर पता किया जाता है। सेकेंड, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होता है, देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो भी इम्प्लॉयज का वर्क है, उसने जो भी काम किया है उसको हम बेसिकली चेक करते हैं कि यहाँ पे उसने कितना काम किया है, कितना करना चाहिए था। तो यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो देखिए, ये दोनों रिलेटेड तो हैं, बिकॉज यहाँ पे हम रिलेटिव वर्थ पता करते हैं किसी भी जॉब की और यहाँ पे इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, दोनों के दोनों इवेल्युएशन से रिलेटेड है। बट ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज एक जॉब को इवेल्युएट कर रहा है और एक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, द पर्पज ऑफ जॉब इवेल्युएशन इज टू फिक्स द रेमुनरेशन एंड अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे बेसिकली जॉब इवेल्युएशन का पर्पज क्या होता है,
सो दैट यहाँ पे हम रेमुनरेशन को फिक्स कर पाएँ और जो भी रेलिवेंट हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं वो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जॉब इवेल्युएशन का पर्पस यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे अपनी रेमुनरेशन फिक्स करते हैं कि बेसिकली किस जॉब की कितनी वर्थ है, इसके बेसिस पे हम वेजेस डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंप्लॉय अगर हायर किया जाता है उस जॉब के लिए तो उसको हम कितने वेजेस पे करेंगे। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया था। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, पॉटर्स लॉलर मॉडल, फ्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी एंड एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो देखिए आपको ये चारों थ्योरीज के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर इजिली कर पाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका आंसर, बट आपको समझना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे आप इसका आंसर इजिली कर पाए। तो यहाँ पे हम पहले चारों इन थ्योरीज को समझते हैं सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सी थ्योरी के अंदर क्या बोला गया था, और अगर इसके बेसिस पे कोई फर्दर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजिली एक अटेम्प्ट में ही उसका आंसर बता पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉटर्स एंड लॉलर मॉडल की। तो देखिए पॉटर्स एंड लॉलर मॉडल के अंदर क्या बोला गया था कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या करते हैं यहाँ पे हमने एफर्ट्स डालते हैं, और एफर्ट्स की वजह से हमारा क्या होता है यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, और परफॉर्मेंस यहाँ पे बेसिकली क्या होता है हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और रिवॉर्ड्स बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड और इंट्रेंसिक रिवॉर्ड। तो ये दोनों बहुत सिंपल से हैं, आपको पता होगा कि एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड क्या होते हैं और इंट्रेंसिक रिवॉर्ड क्या होते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं इसलिए मैं इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो रिवॉर्ड्स होते हैं ये आपको फर्दर मोटिवेट करते हैं कि आप किसी भी काम को अचीव करें। तो देखिए ये बेसिकली एक पॉटर्स लॉलर मॉडल का सिंपल बेसिक आइडिया था कि बेसिकली इस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल को डेवलप किया था, बट इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हैं। देखिए ये तो एक सिंपल सा मॉडल हो गया, बट पॉटर्स लॉलर में ये भी कहा था कि बेसिकली जरूरी नहीं है कि जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं। अब हो सकता है कि जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बिकॉज देखिए आप कोई भी काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही उसका, बट अगर मान लीजिए आपको वो रिवॉर्ड नहीं चाहिए था तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ऑल दो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो इंटर्नशिप भी हो सकते हैं, एक्सटर्नशिप भी हो सकते हैं, बट अगर मान लीजिए वो आपको चाहिए ही नहीं था रिवॉर्ड, यहाँ पे आप कुछ और डिजायर कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जो आपके मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं ये आपके मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये बोला गया था पॉटर्स एंड लॉलर मॉडल के अंदर। सेकेंड आपका व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज वैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अब देखिए ये तीनों चीजें हैं क्या, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये वैलेंस क्या है, एक्सपेक्टेंसी क्या है एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है। वैलेंस का मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ। आप जो भी काम कर रहे हैं बेसिकली आप क्या उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको कितना, आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस काम को, तो ये आपका वैलेंस के अंदर आता है, आपका कितना बिलीफ है उस वर्क के अंदर, तो ये आपका वैलेंस में आएगा। एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है, आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं क्या उससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, ये बेसिकली आपका एक्सपेक्टेंसी के अंदर आता है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे क्या आपको कोई आउटकम मिलेगा। तो ये बेसिकली आपकी तीन चीजें किसके अंदर आती हैं, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर। तो ये तीनों चीजें आपके यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको याद रखिए। थर्ड आपकी एक्स एंड वाई थ्योरी। तो देखिए एक्स एंड वाई थ्योरी किससे रिलेट करती हैं, बेसिकली यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी थ्योरीज हैं ये, आपको पता होगा यहाँ पे एक्स थ्योरी के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो लेजी होते हैं, वो खुद से काम करना नहीं चाहते, जब तक यहाँ पे कोई भी उनका लीडर या सुपरवाइजर उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा या उनको गाइड नहीं करेगा तब तक वो कोई भी काम नहीं करेंगे। वाई थ्योरी के अंदर क्या होता है,
बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो लीडरशिप स्टाइल है वो लजीज फेयर होनी चाहिए या डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, और यहाँ पे वो खुद से ही अपने काम को करते रहते हैं तो वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं। तो ये बेसिक थ्योरीज आपको पता होगा एक्स एंड वाई के बारे में, इसको डिस्कस नहीं करते हम डिटेल में। नेक्स्ट है आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी, तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, अपने इनपुट आउटपुट को दूसरे पर्सन के इनपुट और आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट क्या है, देखिए इनपुट का मतलब ये होता है कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, और आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपको उसका क्या आउटकम मिल रहा है, दैट इज क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अपने इनपुट आउटपुट को आप दूसरों के इनपुट और आउटपुट के साथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपका फर्दर पीयर ग्रुप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपके साथ ही आपके लेवल का कोई और इम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे ये चेक करते हैं कि क्या आपने जितने इनपुट डाले और उससे आपको जो आउटकम मिला और दूसरे पर्सन ने जो इनपुट डाले उसका जो आउटकम मिला, बेसिकली आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या आपका ऐसा तो नहीं है कि आपने इनपुट ज़्यादा डाला और आपको आउटपुट कम मिला है। एट द सेम टाइम जो दूसरा पर्सन है या दूसरा इम्प्लॉय है उसने जितना इनपुट डाला उससे ज़्यादा उसको आउटपुट मिल गया। तो इन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, और इसके बारे में बेसिकली किसने बताया था, एडम्स इक्विटी थ्योरी ने। तो यहाँ पे बेसिकली आपका इक्विटी थ्योरी के नाम से क्लियर है, बैलेंसिंग की बात की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू द सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो देखिए हमने बात की थी पॉटर्स एंड लॉलर मॉडल के बारे में कि बेसिकली जरूरी नहीं होता कि आपका कोई भी एफर्ट है या परफॉर्मेंस है उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स आपके मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पॉटर्स एंड लॉलर मॉडल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यहाँ पे आपको केवल स्टेटमेंट देखिए ये पूछा गया है कि बेसिकली इसको किसने प्रोपाउंड किया था, तो यहाँ पे इसको दिया किसने था, पॉटर्स एंड लॉलर ने दिया था। बेसिकली मॉडल के थ्रू डायरेक्टली आप इसको समझ नहीं सकते बिकॉज ये आपको स्टेटमेंट गिवन है जो उन्होंने बोली थी, ओके। बट यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिसके अंदर आपको पास्ट ईयर प्लस फर्दर मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली डेली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं, सो आप डेली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट पीपल एंड ऑल्सो अफेक्टेड बाई देम एंड नॉट बाई मैनेजमेंट अलोन। तो यहाँ आपसे क्या बोला गया, जो सोशल इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन उसको लोग अफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली लोग अफेक्ट होते हैं, इसको केवल मैनेजमेंट अफेक्ट नहीं करता। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का प्रपोजिशन है, तो देखिए आपको क्या बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे ये बेसिकली जो स्टेटमेंट आपको गिवन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से रिलेट करती है। तो यहाँ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, कंटिजेंसी थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है दो ऑप्शंस के बीच में, और वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं हम उनके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर हम बात करें कंटिजेंसी थ्योरी की, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि हमें कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हमें सिचुएशन के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन के अंदर हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, कौन सी थ्योरी फॉलो कर सकते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि हमें केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को फॉलो करना है, तो ये कंटिजेंसी थ्योरी आपकी कहती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंड, सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम थ्योरी क्या कहती है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक सिस्टम का पार्ट होता है, और ये देखिए ये सिस्टम हो सकता है या तो वो क्लोज सिस्टम हो सकता है या ओपन सिस्टम हो सकता है। अब ये क्लोज सिस्टम क्या है एंड ओपन सिस्टम क्या है, देखिए क्लोज सिस्टम ये होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिकली आउटसाइड एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आता है, और ओपन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये दोनों सिस्टम थ्योरी के अंदर बोले गए, और यहाँ पे बेसिकली आपसे एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड एंड आंसर के बीच में। तो देखिए आपका यहाँ पे सेकंड आंसर नहीं है, आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्यों है आंसर, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर आपको पता होगा मेजर तीन थ्योरीज आती हैं, दैट इज
टेलर की साइंटिफिक थ्योरी, हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच फॉलो किया गया था, वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बिहेवियर की बात की गई है, यहाँ पे केवल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली ये मान के चला जाता है कि जो वर्कर्स हैं आप उनसे जितना ज़्यादा काम करवा लीजिए उतना ज़्यादा वो काम कर देंगे, बट यहाँ पे सोशल फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल ये बात नहीं की जाती कि सोशल इन्वायरमेंट का भी अफेक्ट होता है लोगों के ऊपर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्लासिकल थ्योरी से तो बिल्कुल रिलेट नहीं करेगी। अगर हम बात करें न्यू क्लासिकल थ्योरी की तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली बेस्ड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के ऊपर है। तो आपको पता होगा हॉथर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसको एल्टन मायो ने कंडक्ट किया था। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या कंक्लूजन था कि जो सोशल इन्वायरमेंट होता है उसको काफ़ी इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर और लोग भी बेसिकली सोशल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है न्यू क्लासिकल थ्योरी के साथ। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है सिस्टम थ्योरी में और न्यू क्लासिकल थ्योरी के बीच में। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, दैट इज सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास क्या बोला गया है, क्लोज सिस्टम होता है और ओपन सिस्टम होता है। देखिए क्लोज सिस्टम के अंदर आउटसाइड इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ओपन सिस्टम के अंदर होता है। बट देखिए ओपन सिस्टम के अंदर जो और इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट होते हैं, दैट यहाँ पे आपके सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे भी सोशल इन्वायरमेंट की बात की गई है बट यहाँ पे क्या बोला गया, सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब, तो जॉब से रिलेटेड सोशल इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन इन्वायरमेंट है सोशल इन्वायरमेंट, वो कौन अफेक्ट करते हैं, लोग अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो लोगों का बिहेवियर है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है वो अफेक्ट करता है जॉब को। तो ये बेसिकली न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर बोला गया है, दैट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर बोला गया है। ओके तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके इसको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, हारमोनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको यहाँ पे हारमोनी स्पिरिट एंड यूनिटी को प्रमोट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसका प्रिंसिपल है। तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ऑर्डर, स्केलर चेन, स्पिरिट द कॉर्प्स एंड इक्विटी। तो देखिए चारों के चारों प्रिंसिपल्स जो हैं ये हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फ्यूल। अब जरा पहले हेनरी फ्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हेनरी फ्यूल की जो थ्योरी थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पार्ट है क्लासिकल थ्योरी का। और देखिए यहां पे जो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल थे वो कितने प्रिंसिपल्स थे, टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्यूल ने। तो उसके अंदर से आपको चार प्रिंसिपल्स गिवन है और आपको बताना है कि स्पिरिट, हारमोनी एंड यूनिटी कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो देखिए ऑर्डर, स्केलर चेन, स्प्रिट द कॉर्प्स एंड इक्विटी, तो हम इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं सो दैट आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएं कि स्पिरिट, हारमोनी एंड यूनिटी कौन से प्रिंसिपल के अंदर आएगा। तो देखिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला है आपका ऑर्डर, तो ऑर्डर का क्या मतलब है, एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, तो हर एक चीज को राइट प्लेस पे होना चाहिए अपने राइट समय पे, तो ये बोला गया था ऑर्डर के अंदर। सेकंड स्केलर चेन, तो स्केलर चेन क्या बोलते हैं, बेसिकली एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड। स्पिरिट द कॉप का क्या मतलब है, बेसिकली एक हारमोनी होनी चाहिए, एक स्पिरिट होनी चाहिए विद इन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, तो बेसिकली यहाँ पे अगर दोनों के गोल्स मैच कर जाएंगे, दोनों के बीच में हारमोनी होगी, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजिली और जल्दी अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे आपका स्पिरिट द कॉप्स रिलेट कर रहा है आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज स्पिरिट, हारमोनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसका प्रिंसिपल है, स्पिरिट द कॉप्स का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आगे है इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है, देखिए दो लोग हैं सेम पोस्ट पे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों के वेजेस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों के वेजेस भी सेम होने चाहिए और दोनों को ट्रीटमेंट भी सेम मिलना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इक्विटी के अंदर बोला गया था। तो ये चारों प्रिंसिपल थे किसके, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इवेंट्स गिवन है और आपको बताना है इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको गिवन है ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेट नहीं करते हैं, बट इसलिए यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया जाता है तो आप इसका आंसर इजिली टिक कर पाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉयज पॉलिसीज, क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेशन एंड स्टाइल, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, रिएक्शन टू कम्पिटिटर्स एंड ग्रेटिट्यूड टूअर्ड नेशन, रोल एम्बिग्विटीज, ट्रेड यूनियन एंड पॉलिसीज। तो देखिए इसका आंसर जो एनटीए ने प्रोवाइड किया है दैट इज ए बी सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इसके बारे में हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्यों प्रोवाइड किया गया है दैट इज ए बी सी एंड डी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कस्टमर की नीड को समझते हैं, तो यहाँ पे हम कस्टमर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, और उसके बाद हम अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली हम एक प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज रखनी है तो उसकी बात करते हैं हम, और उसके बाद हम क्या डायरेक्टिंग और क्या मोटिवेटिंग स्टाइल फॉलो करने वाले हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात की जाती है। इसके बाद बेसिकली डिसीजन मेकिंग की जाती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, और जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड सोसाइटी उसको फुलफिल किया जाता है, और इसके बाद क्या करते हैं हम जो भी हमारा कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ हम कैसे रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे नेशन की टुवर्ड्स जो हमारा ग्रेटिट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर ई क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे रोल एम्बिग्यूटीज की बात की गई है। तो देखिए किसी भी टाइप की एम्बिग्यूटीज होती है दैट इज कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इसको नहीं रखा गया है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये इवेंट जो आपके हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेट नहीं करते हैं, बट स्टिल आपका यहाँ पे आंसर जो है दैट इज ए बी सी एंड डी, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसके अंदर कि कौन सी कमेटी रिलेट करती है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन से। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, भगवती कमेटी, एन के मित्रा कमेटी, जी आर वर्मा कमेटी एंड एल सी गुप्ता कमेटी। तो हम इन चारों कमेटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कमेटीज कौन कौन सी चीज़ों से रिलेट करती हैं, और इसके बाद आप इसका आंसर इजीली समझ पाएंगे। बिकॉज अगर मान लीजिए अगर आपको इन कमेटी से रिलेटेड फर्दर कोई क्वेश्चन पूछा गया इन फ्यूचर तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए जो आपका भगवती कमेटी है वो रिलेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट से, ओके। सेकंड एनके मित्रा कमेटी, तो देखिए एनके मित्रा कमेटी आपका रिलेट करता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन से, आप इसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं इन फ्यूचर आपको हेल्प होगा। नाउ पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए अगला है आपका जे आर वर्मा कमेटी, तो देखिए जे आर वर्मा कमेटी आपका रिलेट करता है क्रिमिनल केसेस से, और लास्ट है आपका एलसी गुप्ता कमेटी, तो एलसी गुप्ता कमेटी आपका रिलेट करता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव से। तो ये चारों कमेटीज हैं, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या है दैट इज एनके मित्रा कमेटी। काफी सिंपल सा और फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।